नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। भोरे भोर में आपको जो खबर हम बताने जा रहे हैं, उस खबर से निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में प्रेस वार्ता के बाद से अभियान का शुरुआत कर चुके हैं और उनके अभियान में लगातार लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी चालू हो गया है। उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 3 महीने के अंदर में 1 करोड़ लोगों को अपने अभियान के से जोड़ेंगे और इसका हिस्सा बनाएंगे। आपको बता दें कि आपके पास भी कोई फ़ोन आया होगा, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो, कि आपको किस तरह से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े रहना है। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं या फिर आप क्या कुछ करना चाहते हैं, आप बताएं। बिहार को कैसे आप विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं। आपको बता दें कि अब इसी अभियान पर ग्रहण लगने की स्थिति सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना के पाटलिपुत्र थाने में प्रशांत किशोर पर मामला दर्ज हुआ है और ये मामला उन पर जालसाजी के लिए दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर पर अपने अभियान बात बिहार की के लिए कंटेंट की नकल करने का आरोप लगाया गया है। एक शख्स शाश्वत गौतम, जो कि मोतिहारी के रहने वाले हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराया है। FIR में एक अन्य युवक ओसामा का भी नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ओसामा पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ चुका है। केस दर्ज कराया गया है कि शाश्वत पहले कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं और इस दौरान बिहार की बात के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे भविष्य में लॉन्च करने की बात चल रही थी। इस बीच उनके यहाँ काम करने वाले ओसामा नाम के युवक ने इस्तीफा दे दिया। आरोपी की माने तो उसी ने शाश्वत गौतम के प्रोजेक्ट बिहार की बात के सारे कंटेंट प्रशांत किशोर को चुरा करके दे दिए हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर उसी कॉन्टेक्ट पर वेबसाइट डाल दिया है और उसी वेबसाइट के आधार पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि शाश्वत गौतम ने पुलिस को साक्ष्य भी दिया है। उनका दावा है कि उनके कॉन्टेंट के साथ उन्होंने वेबसाइट को जनवरी माह में ही रजिस्टर करवाया था, जबकि प्रशांत किशोर ने अपनी वेबसाइट को फरवरी में रजिस्टर करवाया है। अब ये मामला धीरे धीरे प्रशांत किशोर के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। अगर पुलिस ने जांच की और बातें सत्य निकली तो प्रशांत किशोर के बिहार की बात पर निश्चित रूप से ग्रहण लग जाएगा और उन पर जालसाजी का 420 करने का भी मामला दर्ज हो गया है और उसके आधार पर उन पर कार्रवाई भी होगी। अब देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर इस मामले को कैसे सलटते हैं और कैसे निपटते हैं। मामला गंभीर है और प्रशांत किशोर, जो कि बिहार में एक बड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे थे और कई राजनीतिक दल उनके तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे थे, उन्हें भी बड़ा झटका लगा है। आगे क्या होगा, हमारी पूरी नज़र इस पूरे मामले पर गड़ी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।